सो दिस इज द बेसिक सिंप्लीफाइड डायग्राम कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है. हम बोलते हैं बस एक्सपोर्ट हुआ या फिर इम्पोर्ट हुआ, सो व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ दैट. एंड इफ यू कैन सी हियर, एक्सपोर्टर वेयरहाउस होता है यहाँ पे, यहाँ पे इम्पोर्टर का वेयरहाउस है. दिस इज द पोर्ट एंड कस्टम, मतलब यहाँ पे पोर्ट कस्टम को दिया है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो जैनपीडी इज अ पोर्ट, अगर आप केरला में हो तो कोचिन इज सी पोर्ट, गुजरात में हो तो मुंद्रा में, उसके आगे दिया है कार्गो शिप एंड वेसल. सो दिस इज द थर्ड. और यहाँ पे इम्पोर्टर का पोर्ट है. अगर हम कंसिडर करते कि दुबई इज अवर कंट्री, दुबई हमारी इम्पोर्टिंग कंट्री है, तो उसका जो पोर्ट है, इसको पता है दुबई का पोर्ट जुबेल राइट, जबेल अली दुबई. सो जबेल अली दुबई इज अ दुबई पोर्ट, और फिर इम्पोर्टर का वेयरहाउस आएगा. सो इसका मतलब इस पहले क्या पता चला, यू नीड टू नो द पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट जहां पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस कंट्री के एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रोड पोर्ट, जो भी कुछ होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, पहले ही पता होना चाहिए. सो दिस इज द बेसिक होमवर्क, वो आपको पहले से करके रखना है. अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपोर्टर वेयरहाउस मतलब यहाँ पे हो, दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोसीजर. उसमें बहुत सारे आगे वाले टाइप निकलेंगे. पहला प्रोसीजर क्या कहता है कि आप एक्सपोर्टर हो, यहाँ पे खड़े हो, आप जहाँ पे हो, घर पे, ऑफिस में, जहाँ पे भी अभी बैठे हो, दिस इज योर वेयरहाउस और फैक्ट्री. यहाँ पे ट्रक ट्रक आएगा, ट्रक में मतलब जो भी गुड्स है लोड किए जाएंगे, वो जाएंगे फिर आगे पोर्ट पे, मतलब यहाँ पे पोर्ट पे जाएंगे. अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो जेएनपीटी पोर्ट पर चले जाएंगे. यहाँ पे जाने के बाद ट्रक से गुड्स निकाले जाएंगे, कस्टम इंस्पेक्टर विल बी देयर, सो अनलोडिंग ऑफ द गुड्स एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स इन द कंटेनर. ट्रक से या जो भी टेम्पो से माल आया है वहां पे अनलोड किया जाएगा, कंटेनर में लोड किया जाएगा, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ द कस्टम इंस्पेक्टर द गुड्स विल बी क्लियर्ड. सो कस्टम क्लियरेंस होता है, ऐसे जो शब्द आपने सुना होगा, इट मींस कि गुड्स का चेकिंग होता है, रैंडम सैम्पलिंग किया जाएगा, वो गुड्स ओपन करके मतलब चेक किए जाएंगे, एज पर द इनवॉइस जो भी आपने डिक्लेयर किया है वही वहां पे है क्या, जो गुड्स आप बता रहे वो वही है क्या, जो आप पैकेजिंग का मतलब जो दिखा रहे वही है क्या, नंबर ऑफ पैकेजिंग अगर है तो वही है क्या. सो वो रैंडमली चेक किया जाएगा एंड देन द कंटेनर विल बी सील. तो कस्टम वाले कंटेनर को सील लगाएंगे. वंस द कस्टम कंटेनर इज सील्ड, इट इज कॉल्ड एज अ कस्टम क्लियरेंस डन. तो कस्टम क्लियरेंस हो गया, ओके. सो ये प्रोसीजर यहाँ पे होगी. कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो जो सील कंटेनर है दैट विल बी लोडेड ऑन द वेसल. तो यहाँ पे वेसल पे लोड किया जाएगा. एंड जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताई कि डेफिनेशन क्या बता दी है, वंस वेसल सेल, तो यहाँ से वेसल पे लोड होगा और वेसल सेल होगी, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आगे चलेगी. इसका मतलब एक्सपोर्ट हो गया. समझा प्रोसीजर अभी? यस या सो बेसिक में ये कहा कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया. अभी एक्सपोर्ट होने के बाद दैट वेसल विल रीच टू द डेस्टिनेशन पोर्ट, आगे वाले पोर्ट को जाएगी, मतलब जबेल अली पोर्ट पे जाएगी. वहां पे वेसल आने के बाद कस्टम इंस्पेक्टर विल, कस्टम दुबई का जो कस्टम से वो वहां पे आएंगे, दे विल इंस्पेक्ट द गुड्स, उनका जो क्लियरेंस का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो सारा चेकिंग किया जाएगा. ड्यूटीज टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड, दैट विल बी अपडेटेड टू द इम्पोर्टर, वो पे करेगा एंड द गुड्स विल बी रिलीज्ड, और फिर वो गुड्स लेके एक्सपोर्ट इम्पोर्टर अपने वेयरहाउस पे चला जाएगा. दिस इज द होल प्रोसीजर की एक्सपोर्ट होता है मतलब क्या और इम्पोर्ट होता है मतलब क्या. फिर यहाँ पे आप कोई भी गुड्स डालो, इंजीनियरिंग करो, टेक्सटाइल करो, एग्री फूड करो, स्पाइसेस करो, केमिकल करो, फार्मास्यूटिकल करो, एनी गुड्स, द प्रोसीजर विल बी सेम फॉर एवरी गुड्स. यहाँ पे अगर मैंने सी लिया है, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर मैंने एयर शिपमेंट करना है तो एयर से अगर गुड्स जाएंगे तो क्या चेंज होगा, जो पोर्ट यहाँ पे है जेएनपीटी बताया, तो वो मुंबई का, अगर मुंबई से जा रहे हो तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अगर आप इंदौर से जा रहे हो तो इंदौर का, इंदौर का एयरपोर्ट होगा. सो यहाँ पे एयरपोर्ट्स आएंगे इंस्टेड ऑफ द सी पोर्ट. यहाँ पे जो वेसल शिप दिखाई है इसके बदले प्लेन्स आएंगे, और ये जो सी ट्रांजिट दिखाया है उसके बदले एयर ट्रांजिट आएगा. गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस ये चीजें चेंज होती. तो इसीलिए जो तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने बताए, दिस इज द लिंकेज फॉर दिस. एक्सपोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ, गुड्स वहां पे मिले, आपके जो पेमेंट टर्म्स उसके साथ होंगे, अकॉर्डिंगली ही विल पे, तो उसके हिसाब से आपका पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा. क्लियर? यस